नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंगबली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंगबली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चो, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। यह किसके आशीर्वाद से बनी है? यह बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, यह बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का। ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। ऐसी फिल्म को इतने सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री मान्यता दे रहे हैं? ऐसे हिंदू धर्म के अपमान को, देवी देवताओं के अपमान को भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहर लगा के, सीना तान के मान्यता दे रहे हैं? पूरे देश से जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।